अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चंद दिन पहले मेरे एक इंडियन दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको पेशावरी दम पोह बनाने का तरीका बताऊं, तो इसीलिए ये मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो उन्होंने कहा था कि बड़ा ही सिंपल और सादा तरीके से, तो दोस्तों पठानों के जितने भी खाने होते हैं वो बड़े ही सादा और सिंपल होते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि पेशावरी दम पोह या पठानों का दम पोह उसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये है वो चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लैम का गोश्त है और ये एक बहुत ही बड़ी बोटी है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जिंजर है, ये गार्लिक है, ये टमाटर है, ये प्याज और ग्रीन चिली और रेड चिली है एक। और इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्लैक पेपर की और सॉल्ट की। ये आप कोई भी देश की उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये वाली यूज़ करूँगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा देर तक महफूज रहता है। तो सबसे पहले ये बड़ी बोटी को रखते हैं यहाँ पर। ये बड़ी बोटी मैंने इसीलिए डाली है कि आपको बाद में दिखा सकूं कि ये पका कैसे हुआ है। वैसे ये ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी बड़ी बोटी रखें। और उसके बाद ये छोटी बोटी है, आप यहाँ पे प्याज रखते हैं। और थोड़ा सा जिंजर, अब ये टमाटर रख देते हैं यहाँ पर। ये रेड चिली और ग्रीन चिली साइडों पे। इसके बाद दोबारा ये गोश्त लगाते हैं, ये गार्लिक फिर डाल देते हैं और ये बाकी बचा हुआ जिंजर भी। ये मेरे और एक ये ग्रीन चिली भी। और ये जी सबसे ज़रूरी चीज़, ये है आलू। इनका छिलका आपने बिल्कुल नहीं उतारना। अगर छिलका उतारेंगे तो ये फिर सब मैश हो जाएंगे। ये जी बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके ऊपर डालते हैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ये जी सॉल्ट और ये है जी ब्लैक पेपर। अब इसको रखते हैं बिल्कुल हल्की आंच पर। शुरू में आप मीडियम पे रख सकते हैं इसको, उसके बाद आप इसको हल्की आंच पे रखें जी। ये मैंने बंद कर दिया है और ये अभी तकरीबन 2-3 घंटे इसको लगेंगे पकते हुए। इसमें कोई ऑयल नहीं डालना, कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना है। हाँ तो दोस्तों अभी जरा गपशप लगाते हैं दम पोह के बारे में। तो ये कॉफी है। तो दम पोह का बेसिकली मतलब है कि दम पे पकाने वाली चीज। तो ये बहुत ज़्यादा आम है पाकिस्तान में, ख़ासकर जहाँ पे ये पठान लोग रहते हैं, केपीके सूबे में और अफगानिस्तान में। असल में ये दम पोह है सेंट्रल एशिया की खुराक और हिस्ट्री भी इसकी बहुत ही पुरानी है। ये उस जमानों की बात है जब ना मसाले होते थे, ना घी होता था, ना कुछ और होता था। तो लोगों ने ये तरीका इख्तियार किया था कि वो जब तंदूर गरम करते थे तो रोटियां बनाने के बाद, क्योंकि तंदूर तो गरम होता था, तो फिर वो ये मुख्तलिफ चीज़ें डाल देते थे उधर वहाँ पर देगों में या मिट्टी के बर्तनों में, तो वो सारी रात उसमें पड़े रहते थे। तो सुबह उठ के वो खाते थे फिर। तो इसीलिए ये हमारे दम पोह में किसी किस्म के मसाले यूज़ नहीं किए जाते। इसका मतलब है कि उस ज़माने में जो चीज़ अवेलेबल थी उन्होंने वही इस्तेमाल किया। अभी तो बहुत से मसाले हैं, मतलब है कि हर घर में अब मौजूद है वो सब कुछ, लेकिन पहले ये नहीं होता था और ग़रीब भी थे उस ज़माने में लोग।
तो उनकी मैक्सिमम यही खुराक होती थी, गोश्त या आलू या दैट्स इट। तो ये बहुत ही पुरानी डिश है और इसको पठान बहुत लाइक करते हैं। और बनता है ये चर्बी में, जो दुम होती है उसकी चर्बी में बनता है, और लगते हैं इसमें तकरीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं इसमें। बहुत ही हल्की आंच पे बनाया जाता है। आज टेम्परेचर भी माइनस में है यूके में, यहाँ पर तो काफ़ी सर्दी है, -2 है। जब हम बेलारूस में रहते थे तो -30-25 में कोई असर नहीं होता था, अब यहाँ पे -2 भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तो आंख लग गई थी। जाते हैं देखते हैं, ये दम पो खुदा खैर करे कहीं बर्बाद ही ना हो गया हो। चेक करते हैं कैसा है। ओए होए होए, क्या बात है, वाह जी। कम से कम इसमें अभी पानी बाकी है, ये अच्छी बात है। तो मैं तो कोई, ये इसमें तकरीबन 4 घंटे गुजर गए हैं, अभी चेक करते हैं इसको। अच्छा दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या पोजीशन है इसकी। ये मैंने अभी जो बताया, मेरी आंख लग गई थी, तो इसमें तकरीबन 4 घंटे गुजरे हैं। ये देखें जी, हड्डी कैसे निकल रही है यहाँ से, क्या बात है, क्या बात है। ये देखें जी, वाह क्या बात है। अब मैं ऐसे करता हूँ, इसको आग को जरा तेज कर देता हूँ कि ये जो पानी इसमें ये वेपोराइज हो जाए। तो देखते हैं कितना टाइम इसमें लगता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने अभी 10 मिनट उबाला है ढक्कन हटा के, तो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं डालता हूँ इसको प्लेट में, आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू तो बिल्कुल साबत है अभी तक। हाँ तो दोस्तों, ये सब तैयार हो गया है। ये जो शुरू में मैंने बड़ी बोटी डाली थी ना, देखें जी ये कैसे बना है, देखें जी बिल्कुल। तो ये होता है दम पोख्त। तो सब कुछ बड़ा ही बेहतरीन बना है। ये देखें जी हड्डी वाला है, ये देखिए हड्डी एब्सोल्युटली। मैं जरा टेस्ट करता हूँ इसको। और सबसे जरूरी चीज, इसके ऊपर लेमन डाल दे और यारों दोस्तों के साथ बैठे और एंजॉय करें। क्या बात है, देखें जी वाह, देखें जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी आंख लग गई थी, ये तकरीबन कोई 4.5-5 घंटे पड़ा हुआ था बिल्कुल हल्की आंच में। तो वैसे मेरे ख्याल में 3 घंटे बहुत है इसके लिए। बेहतरीन, क्या बात है। तो आप ट्राई करें इसको, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी ना करें वो भी चलेगा। तो अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। खुदा हाफिज़।